हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद जी के क्लासेस में। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में बहुत कम समय बचा है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में बहुत कम समय बचा है, तो इस कम समय में सिर्फ ऐसे प्रश्न को पढ़कर जाना है फ्रेंड्स, जिसका चांस हो कि ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट और VBI प्रश्न को लिया गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? क्या होगा सही जवाब, मैं बता दूं इस वीडियो में जीके और जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मुस्लिम लीग का स्थापना का श्रेय किसे जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को, सर सैयद अहमद खान को, या फिर सलीमुल्ला एवं आगा खान को, या खान अब्दुल गफ्फार खान को? तो फ्रेंड सही जवाब हो जाएगा मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है, एक का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या फिर क्या होगा, राजस्थान? सही जवाब बताइए। तो फ्रेंड दूसरा का सही जवाब हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। हमारे चैनल को अभी भी समय है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कम समय में आपके एग्जाम के लिए सटीक क्वेश्चन को लेकर आएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, सटीक क्वेश्चन जो आप पढ़ लेते हैं कम समय में, तो यही प्रश्न जो है सीधा आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, और मैं पहले ही बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि मैं बहुत सारे एग्जाम के लिए कम समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देते हैं, और वही क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है, इसीलिए पढ़ के जरूर जाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली की गद्दी पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका, दिल्ली की गद्दी पर राज करने वाली पहली महिला शासिका, चांद बीबी, राजा सुल्तान, जीजाबाई, या फिर बेगम हजरत महल? तीसरा का बी हो जाएगा, राजा सुल्तान। अगला प्रश्न है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है, राज्यपाल जो होता है राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है, राष्ट्रपति का, गृह मंत्री का, मुख्यमंत्री का, या फिर प्रधानमंत्री का? चौथा का सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति का, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, या फिर महाधिवक्ता? राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है, तो पांचवा का आप सभी को पता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। सभी प्रश्न जो है फ्रेंड्स एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, बताइए। छठा नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, पहला ऑप्शन है अविश्वास प्रस्ताव लाकर, संविधान संशोधन से, कानूनी कार्रवाई से, या फिर महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? छठा का सही जवाब हो जाएगा डी, महाभियोग द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। सातवां नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है, वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, शिवाजी, विपिन चंद्रपाल? तो सातवां का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, लोधी वंश का संस्थापक कौन था, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, इनमें से कोई नहीं? लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो आठवां का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स बहलोल लोधी। अगला क्वेश्चन है, भारत में विश्व का सर्वाधिक उत्पादन होता है, भारत में विश्व का सर्वाधिक उत्पादन क्या होता है, अभ्रक, कोयला, सिक्का, या फिर तीन? तो नौवां का आंसर हो जाएगा अभ्रक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था, दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? मैं बार बार कह रहा हूं फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन जो है, सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, सभी VBI है, इसलिए हमारे चैनल को अभी का भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन? दसवां का सी हो जाएगा आंसर, लॉर्ड कैनिंग। अगले प्रश्न की ओर चलते हम लोग। मारमगांव बंदरगाह से मुख्यतः निर्यात किया जाता है मछलियां, वस्त्र, खाद्य सामग्री, या फिर अयस्क? 11 का सही जवाब डी हो जाएगा, अयस्क। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब की गई थी, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब की गई थी, 1942, 1930, 1931, 1944? तो 12 का सही जवाब हो जाएगा ए, 1942। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला, संघमित्रा, गौतमी, यशोधरा, महामाया? 13 का सही जवाब हो जाएगा बी, गौतमी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, 14 नंबर क्वेश्चन, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, सही जवाब बताइए, इल्तुतमिश, महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनवी, या फिर मुबारक शाह खिलजी? 14 का सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, फयान किस देश का निवासी था, फयान किस देश का निवासी था, भूटान, अमेरिका, चीन, वर्मा? 15 का हो जाएगा आंसर चीन। ठीक है, फयान किस देश का निवासी था, चीन का निवासी था। अगला क्वेश्चन है, हर्ष की आत्मकथा निम्नांकित निम्नलिखित में से किसने लिखी है,
हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी है? फिरदौसी, वानभट्ट, व्राहिमीर, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का सही जवाब है फ्रेंड्स, वानभट्ट ने लिखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यता नहीं है, बताइए। 17 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यता नहीं है, भारत का नागरिक हो, उम्र 30 वर्ष से कम ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, सरकारी लाभ के पद पर ना हो। तो 17 का सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स, 17 का बी हो जाएगा, उम्र 30 वर्ष से कम ना हो। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? राष्ट्रपति के, विधानमंडल के, विधानसभा के, या मुख्यमंत्री के? 18 का सही जवाब बता दूं मैं आपको, बी हो जाएगा, विधानमंडल के। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में क्या सहायक होता है? लकड़ी की आयु ज्ञात करने में क्या सहायक होता है? कार्बन 14, यूरेनियम, कोबाल्ट, पोलोनियम। 19 का सही जवाब हो जाएगा ए, कार्बन 14। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल, बिंदुसार, राहुल। 20 का सही जवाब हो जाएगा कुणाल था। अगला क्वेश्चन है, कौन था? कुणाल था, याद रखिएगा। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? 20 का कुणाल था। अगला क्वेश्चन है, दालों से हमें क्या प्राप्त होता है? विटामिन, वसा, कैल्शियम या फिर प्रोटीन? 21 का सही जवाब हो जाएगा डी, प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है, 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस, भारतीय नौसेना दिवस, पृथ्वी दिवस, भारतीय थल सेना दिवस। 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? 22 का हो जाएगा भारतीय वायुसेना दिवस। अगला क्वेश्चन है, दूध से दही जमता है कवक द्वारा, नीले शैवाल से, बैक्टीरिया द्वारा, हरित कवक द्वारा? तो 23 का सही जवाब हो जाएगा सी, बैक्टीरिया द्वारा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ? उत्तर प्रदेश में, उत्तरांचल में, पश्चिम बंगाल में या फिर हरियाणा में? 24 का सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित किससे थे? मीराबाई, हजरत महल, जीजाबाई से या फिर चांद बीबी से? 25 का सही जवाब हो जाएगा सी, जीजाबाई से, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हम लोग, किस मुगल शासक ने दो बार शासन किया? फ्रेंड्स काफ़ी फास्ट चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि आपके जो एग्जाम का समय है काफ़ी कम है फ्रेंड्स, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं बता दूं काफ़ी तेज़ी से हम लोग इस चैनल पे पढ़ेंगे और कम समय में अच्छे अच्छे प्रश्न को, इम्पोर्टेंट प्रश्न को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो 26 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों घर बने होते थे कच्ची ईंटों के, पक्की ईंटों के, लकड़ी के या फिर पत्थरों के? सिंधु सभ्यता के लोगों के घर बने होते थे किसके? तो 27 का बी हो जाएगा, पक्की ईंटों के। अगला क्वेश्चन है, बेलाडीला क्यों प्रसिद्ध है? तेल सोदा कारखाना हेतु, लक्ष्मी विलास महल हेतु, लौहायस्क हेतु, स्थापत्य कला हेतु? 28 का सही जवाब हो जाएगा सी, लौहायस्क हेतु। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सर्वप्रथम प्रभाव किसने डाला? वास्को डी गामा, पीटर मंडी, डिमनगोस्पिस या फिर पिलनी? 29 का सही जवाब हो जाएगा ए, ठीक है, वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में असत्य क्या है? न्यूनतम आयु 35 वर्ष, कार्यकाल 8 वर्ष या फिर सी में त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है या फिर महाभियोग से हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति के बारे में असत्य क्या है? तो 30 का मैं बता दूं आपको, बी जो है यह सत्य है, कार्यकाल 8 वर्ष का नहीं होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही वो टॉप 30 क्वेश्चन था, और भी वीडियो आपको अपलोड जल्द ही कर दिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।